आज हम इजी तरीके से इंस्टेंट थाली पीठ बनाने वाले और ये हम मिक्स आटा और सब्जी मिलाकर बनाएंगे। ये थाली पीठ हम सुबह के नाश्ते में या रात के डिनर में फटाफट बना सकते हैं। ये महाराष्ट्रियन रेसिपी है, इसे हम मल्टीग्रेन पराठा भी बोल सकते हैं। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियो आपके नोटिफिकेशन पे तुरंत आ जाएंगे। थाली पीठ बनाने के लिए मैंने हाफ कप गेहूं का आटा, हाफ कप चावल का आटा, हाफ कप ज्वार का आटा, हाफ कप बाजरे का आटा और हाफ कप मक्के का आटा लिया है। अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, हाफ टीस्पून हींग, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें 5 आटा मिक्स किया है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। सब अच्छे से मिक्स करके हम कटी हुई पालक ऐड करेंगे। पालक को मैंने अच्छे से धो के काट लिया है। इसके बाद मेथी डालेंगे, मेथी को भी मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है और 1 कप कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपने पसंद से सब्जियां डाल सकते हो और आपको स्पाइसी खाना पसंद हो तो हरी मिर्च काट के या पेस्ट बना के आप डाल सकते हो। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप कटी हुई हरी प्याज की पत्ती, 1/2 कप कटा हुआ प्याज और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रोटी जैसा मुलायम आटा बांध लेंगे। सब आटा मिक्स होने के कारण ये बहुत हेल्दी नाश्ता बन जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। आटा बांधने के बाद थोड़ी देर सेट होने के लिए रखें। अब आटे में से थोड़ा पार्ट लेके लड्डू जैसा बना के हाथ पे थोड़ा दबा के फैलाएं। तवा गरम करके उसको ऑयल से ग्रीस कर ले और उस पे थाली पीठ डाल दे और पानी का हाथ लेके इस तरह थाली पीठ फैलाएं। आपको इस तरह से थाली पीठ को फैलाना नहीं आता हो तो आप एक कपड़े को गीला करके ले सकते हो और उस पे थाली पीठ बना के तवे पे डाल सकते हो, पर आपको हर बार कपड़े को गीला करके लेना जरूरी है। अब इसको थोड़ा तेल डाल के पलट देंगे और दोनों साइड से सुनहरा कलर आने तक सेक लेंगे। आप ये थाली पीठ अचार दही और सॉस चटनी के साथ खा सकते हो। इसे आप सुबह के नाश्ते में या लंच या डिनर में भी बना सकते हो। थाली पीठ जितना हेल्दी है उतना टेस्टी भी बनता है। दोनों साइड से सुनहरा सेकने के बाद इसे निकाल ले और वापस ऑयल से ग्रीस करके दूसरा थाली पीठ बनाए। हाथ को पानी लगा के इस तरह चारों साइड से फैला ले और इसको भी दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लेना है। ये दोनों साइड से सेक लेने के बाद अचार चटनी के साथ खाए या दही सॉस के साथ एंजॉय करें। ये महाराष्ट्रियन थाली पीठ रेसिपी है और ये बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। आप ये रेसिपी जरूर बना के देखें और ये इंस्टेंट थाली पीठ कैसे बने ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।